जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूं, जो कि झारखंड के एक और जिले में होमगार्ड बहाली का डेट जारी कर दिया गया है। जो भी आपका शारीरिक क्षमता परीक्षा होता है और हिंदी लेखन परीक्षा होता है, उसका डेट आ चुका है। अगर आपके पास पावती नहीं है, जो आपका एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र नहीं है, वो कैसे लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, भर्ती में जा सकते हैं, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में देने वाला हूँ। वह कौन सा जिला है जहां पर आपको फिजिकल शुरू होने जा रहा है और डेट भी आ गया है। दोस्तों अपने प्रखंड का डेट भी जान सकते हैं कि आपका फिजिकल कब है और कब जाना है, कौन सा आपको ग्राउंड, कौन सा स्टेडियम में यह भर्ती होगा, सभी जानकारी मैं बारीकी से बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। दोस्तों देख सकते हैं यहां पर दोस्तों आपको न्यूज झारखंड अपडेट द्वारा यह न्यूज प्रकाशित किया गया है, होमगार्ड भर्ती जो कि गढ़वा जिला में दोस्तों शुरू होने जा रहा है, शारीरिक और हिंदी लेखन जो परीक्षा होता है, महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दिया गया है। आप लोग यहां पर नीचे आइएगा तो दोस्तों डिटेल्स में जानकारी आपको दी गई है। यहां पर देख सकते हैं होमगार्ड भर्ती गढ़वा के लिए शारीरिक एवं हिंदी लेखन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। यह सूचना कार्यालय जिला समादेष्टा झारखंड गृहरक्षक आपको दोस्तों वेबसाइट पर भी यह जारी कर दिया गया। सूचना में कहा गया है कि गढ़वा जिला अंतर्गत गृहरक्षक के नव नामांकन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए गए थे। सफलतापूर्वक समर्पित आवेदन के आलोक में जिला चयन समिति द्वारा आवेदकों को प्रखंडवार शारीरिक जाँच, हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा, तकनीकी परीक्षा जो भी दोस्तों इसमें है, रामा साहू स्टेडियम गढ़वा में सुबह 7 बजे से दोस्तों यहां पर जो कि आप लोग देख सकते हैं फिजिकल सेंटर रामा साहू स्टेडियम गढ़वा में 7 बजे आपको सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं जो निर्धारित तिथि की दिया गया है, यानी डेट दिया गया है, उसी में आपको जाना है, अन्यथा दूसरे डेट में जाते हैं तो दोस्तों आपको मौका भी नहीं मिल सकता है। आप लोग देख सकते हैं प्रखंड का नाम, शारीरिक एवं हिंदी लक्षण जो आपका फिजिकल और लेखन क्षमता होगा उसका डेट दिया गया गढ़वा सदर, और यहाँ पर दोस्तों जो प्रखंड है सभी का डेट दिया गया है। गढ़वा सदर का देख सकते हैं यहाँ पर 22 दिसंबर से शुरू होने वाला है। काड़ी रमुना यहाँ पर जो भी है दोस्तों आप प्रखंड आप लोग देख सकते हैं 23 का है यहाँ पर रंका, इस प्रकार के जो प्रखंड है यहाँ पर डेट दिया गया है दोस्तों। यह फिजिकल यहाँ पर देख सकते हैं 29 दिसंबर तक चलने वाला है इंटरव्यू, और दोस्तों यहाँ पर रामा साहू स्टेडियम बताया गया, जो भी आपका प्रक्रिया होगा वह रामा साहू स्टेडियम में होने वाला है। यहाँ पर नोट में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभ्यर्थी को फोटो आयुक्त ऑनलाइन पावती लाना अनिवार्य है, यानी दोस्तों आप जो डाउनलोड किए हैं वह आपको पावती लेकर जाना है, बिना पावती के अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने के शामिल होने नहीं किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक पावती डाउनलोड नहीं किए हैं वह दोस्तों यहां पर देख सकते हैं recruitment.jharkhand.government.in के वेबसाइट पर जाकर आप अपना पावती डाउनलोड कर सकते हैं। पावती डाउनलोड करने में तकनीकी समस्या होने पर दोस्तों NIC गढ़वा के से सहायता भी ले सकते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे वेबसाइट, वहां से जाकर दोस्तों कोई भी समस्या है या हमें भी कमेंट कीजिएगा तो आपको फुल सपोर्ट हेल्प किया जाएगा, क्योंकि मैं भी बता सकता हूं कि कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अभ्यर्थी को पावती के अलावा अपने साथ कोई अन्य सामग्री अथवा इलेक्ट्रॉनिक गजट, मोबाइल आदि मैदान के अंदर परीक्षा में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आप प्रखंड से आते हैं आप लोग एक बार यह डेट चेक कर लीजिएगा। विशेष जानकारी के लिए आप कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, सभी आपको सहायता हेल्प की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।